इस्तीफा देने के लिए बातें कर देता और अनंत गुप्ता उनको जेल जाना पड़ता है। मगर हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, इसलिए रमन सिंह जी के बेटे जो है खुले घूम रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्यता यह है कि उनका स्थान इस समय जेल के अंदर है। क्लियर कट भ्रष्टाचार का मामला है, एक इंटरनेशनल लेवल का भ्रष्टाचार का मामला। प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी केवल अपने मन की बात बोलते हैं, अपने काम की बात बोलते हैं। उन्होंने न दूसरे के मन की बात कभी बोली, न दूसरे के मन की बात कभी सोची। तो इस मामले में भी वो जिस प्रकार से कभी कभी जो है कबूतर जो है बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, तो भ्रष्टाचार को देख करके उनको डर लगता है और इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। और अपनी पार्टी का चाहे शिवराज सिंह की सरकार का भ्रष्टाचार हो, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार का भ्रष्टाचार हो, या रमन सिंह जी की सरकार का भ्रष्टाचार हो, सब नमो नमो है। और अब तो खुद ही जो है वो भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति बन गए। रफेल डील के अंदर जिस तरीके से देश का धन उन्होंने लुटाया है और अब किकबैक वापस आ रहे हैं, तो उसे क्लियर है कि रफेल डील में जबरदस्त घोटाला हुआ है।